आज इस वीडियो में मैं दो तरीके से फिश फ्राई कर रही हूँ और वीडियो ज़रूर पूरा देखिए और हर एक टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी फिश फ्राई भी अच्छी बनेगी। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। यहाँ पर मैंने मछली ले लिया है और इसको अच्छे से नमक वाले पानी में दो तीन बार धो के साफ़ कर लिया है। अभी इसमें हम डालूँगी नमक एक चम्मच और इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच सरसों का तेल डालना है। अभी अगर आप कुकिंग के लिए बना रहे हैं तो अभी ये रेडी है, इसको मिक्स करके डायरेक्ट तलना है। लेकिन हम फिश फ्राई अगर खाएंगे बिना कुकिंग करके तो इसमें हम एक्स्ट्रा मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच और गरम मसाला एक चम्मच डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये अभी हो गया है रेडी। अभी इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। आप इसको जिस समय मसाले डाल रहे हैं उसी समय डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। तो इन सभी को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी ये तैयार है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे नॉनस्टिक पैन मैंने गरम करने के लिए रख दी है। इसमें हम 3 से 4 बड़ा चम्मच जो है सरसों का तेल मैं ले रही हूँ। सरसों का तेल में बहुत अच्छा लगता है मछली फ्राई करने से। तो 3 से 4 चम्मच तेल लेने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से गर्म करना है। एक बार तेल से जैसे धुआं उठने लगे उसी समय आपको मछली को डालना है। तो एक एक करते हुए इस तरीके से हम मछली को डालेंगे। तो कुकिंग के लिए कैसे आपको फ्राई करना है और खाने के लिए कैसे फ्राई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर तुरंत आप ना पलटें, इसको 5 से 7 मिनट तक तलने के बाद ही इसको पलटना है। पलटने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें वरना ये टूट जाएगा। तो देखिए एक तरफ से जो है थोड़ा ब्राउन हो चुका है और इसको हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे और ये दूसरी तरफ से भी ऐसे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ये कुकिंग के लिए अभी जो है इस समय रेडी हो गया है। इसको आप इतना ही फ्राई करें अगर आप पका रहे हैं तो अभी इसको निकाल के आप इसको ग्रेवी बना के ग्रेवी में डाल सकते हैं। लेकिन हम खाने के लिए बना रहे हैं, जस्ट फिश फ्राई ही खाएंगे बिना पकाया हुआ, तो इसको हमें थोड़ा और पकाना है, मतलब थोड़ा और अच्छे से फ्राई करना है। इसको हम ढक्कन लगा देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए सिम फ्लेम में, लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। क्योंकि इसको पकाना नहीं है इसीलिए हम ढक्कन लगा के लो फ्लेम में पकाना है। और इसी तरह से दोनों तरफ पलटते हुए इसको अच्छे से देखिए, और थोड़ा डार्क ब्राउन हो चुका है और थोड़ा गोल्डन हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा भी ना जलाएं लेकिन अच्छे से पकना चाहिए। अभी जो है फिर से हम ढक्कन लगा देंगे और ऐसे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको तलना है। तो आपको पूरा समय जो है मछली तलने का लगभग 10 से 15 मिनट लग सकता है। अगर आप खाने के लिए फ्राई कर रहे हैं डायरेक्ट तो 10 से 15 मिनट लग सकता है और कुकिंग के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट लग सकता है। तो ज़रूर एक बार इसी तरह से मछली फ्राई करके देखिए आपको कैसा लगा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।